करेला और कद्दू की ये सब्जी को मैंने आज बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है। सिंपल मसालों के साथ इसकी ऐसी टेस्टी कॉम्बिनेशन शायद इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो यहाँ पे मैंने ये 5 करेला ली है, वजन में ये 1/2 किलो होगा, और इसे मैंने अच्छे से धो कर लिया है। और अब पहले इसके आगे और पीछे से थोड़ा सा काट के हटा देंगे और फिर इसे ऐसे गोल गोल और पतला पतला काट लेंगे। इसे आप बहुत छोटे टुकड़ों में मत काटना, फिर वो पूरी तरीके से स्मैश हो जाएगा, ये देखिए। और इसके अंदर की जो सीड्स है वो थोड़ा मोटा है तो इसे हम निकाल देंगे, लेकिन अगर करेले की सीड्स नरम हो तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है। और इसे अभी काटने के बाद हमें धोना भी नहीं है, बस सारे करेले को इस बोल में लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इन्हें अच्छे से आपस में मिला देंगे। नमक और हल्दी मिलाने से करेला थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगा। और इस प्रोसेस में अगर आप इसे बनाएंगे तो करेला बहुत ज्यादा कड़वा भी नहीं लगेगा तो बच्चे भी इसे खा पाएंगे। तो इसे करीबन 15 मिनट ढक के छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। और तब तक मैंने ये 1/2 किलो कद्दू ली है, तो कद्दू को मैंने अच्छे से धोने के बाद अंदर की जो सीड्स वगैरह था उसे भी निकाल दी है और अब इसे पहले काट लेंगे। इसे छीलने में हमें आसानी होगा और अब इसे छील लेंगे। अगर आप कद्दू कच्चा लेते हैं तो उसे ऐसे छीलने की भी जरूरत नहीं होगी, आप छिलका समेत ही वो कद्दू को इस सब्जी में डाल सकते हैं। तो अब इसे हम पीसेस में काट लेंगे, तो बहुत छोटा पीसेस इसका नहीं करेंगे वरना पकाते वक्त ये कद्दू पूरी तरीके से स्मैश हो जाएगा। तो कद्दू को देखिए, मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, आप इसे थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं लेकिन इससे छोटा मत काटना। तो अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो पैन में लेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और थोड़ा फैला भी देंगे क्योंकि कद्दू बहुत जल्दी पैन के साथ चिपक जाता है। और अब सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक बार इसे अच्छे से चला देंगे और फिर इसे ढक देंगे। कद्दू को हम 5 से 7 मिनट ही ढक के पकाएंगे, इससे ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और पूरी तरीके से स्मैश भी नहीं होगा। लेकिन इसे ढक के पूरी तरह से छोड़ मत देना, हर 1-2 मिनट में ढक्कन को हटा के इसे ऐसे चला जरूर देना, इससे हर कद्दू हर तरफ से एक जैसा ही फ्राई होगा। कद्दू अब सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए कितने आसानी से ये टूट रहा है और पैन के साथ भी कम से कम ही चिपका है। तो अभी इन्हें निकाल लेंगे और इसी पैन में करीबन 1 छोटी चम्मच जितना तेल डालेंगे और साथ में 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच सौंफ भी डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा चला देंगे। ये सब्जी में थोड़ा सा सौंफ डालने से फ्लेवर इसका बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसमें डालेंगे करेला। तो अभी करेला देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसे अच्छे से निचोड़ के इसका जितना हो सके पानी निकाल देंगे, इससे करेला का कड़वापन बहुत हद तक कम हो जाएगा तो सब्जी बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, ये देखिए। तो अभी इसे पैन में डाल देंगे और ऐसे ही सारे करेले को निचोड़ के पैन में डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे भी हम कद्दू की तरह ही फ्राई करेंगे। ये सब्जी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन इसे ऐसे बारी बारी फ्राई जरूर कर लेना, इससे ये सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी इसे ढक देंगे और करीबन 10 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसे भी कद्दू की तरह ही पूरा छोड़ नहीं देना है। थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 1-2 मिनट में ढक्कन को हटाएंगे और इसे एक बार ऊपर नीचे करके वापस से ढक देंगे, इसे हर करेला एक जैसा ही फ्राई होगा। ये देखिए करेला काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, तो बस अभी इसे और ढकना नहीं है। और यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब प्याज को स्लाइस में काट के लिया है। इसमें प्याज थोड़ा ज्यादा ही डलेगा क्योंकि प्याज की जो मिठास है
इससे करेला का कड़वापन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे चीजों को अच्छे से हम मिलाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे कुछ देर पकाएंगे, लेकिन इसे अभी ढकना नहीं है। सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे और ये प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही इसे हम पकाएंगे। बहुत ज्यादा फ्राई करके इसे ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और करेला भी अब पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी इसमें ये फ्राई की हुई कद्दू को डाल देंगे। कद्दू डालने के बाद बहुत देर तक अभी इसे कुक करना नहीं है, बस हल्के हाथों से ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे और 5 से 6 मिनट और पका लेंगे। अगर आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो हरी मिर्च भी इसमें आप काट के डाल सकते हैं, फिर वो प्याज के साथ ही डाल देना। ये देखिए ये सब्जी अब बन चुका है। तो अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी बना है। तो दोस्तों ये कद्दू करेले की सब्जी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।